कौन मोल दिखा है भाई दिन के समय में टेम मना लगे तो हाँ मम्मी मम्मी ने क्या देख रही है जी न देख के वो तो उतरी भी ना ये तो झूले से देख के ले आवाज़ मैं इतना तो यहाँ पार्टी देख के तो कितनी मंदिर है आज आपको भी स्माइल से पता लग ही रहा होगा कि आज बना रहे हैं हम एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग और वो स्पेशल व्लॉग के मेंबर जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ये रहे मम्मी आप भी हाय कर दो आज हम जा रहे हैं मम्मी औरों को लेके मॉल गाइज आप लोग बिलीव नहीं करोगे मम्मी लोग मम्मी कितनी उम्र हो गई आपकी 62 कितना 62 साल की उम्र हो गई और मम्मी लोग कभी आज तक मॉल नहीं देखा है बेटी कदे भी आज पहली बार लेकर जा से नीतू है तो आज हमने सोचा कि भाई फर्स्ट टाइम बहुत टाइम से सोच रहे थे पर तो मम्मी लोग मान नहीं रहे थे कन्विंस नहीं हो रहे थे मम्मी तो आज हमने प्लान बना लिया भाई मम्मी हर को लेके जाना मॉल तो गाइस जस्ट इमेजिन कितनी डीप चीज है ना कि 60 साल आपकी उम्र हो गई और आप लोगों ने मॉल ही नहीं देखा और हम जो अभी की जनरेशन के लोग है कुछ नहीं समझ आया तो चलो मॉल चल देते पर मम्मी लोग ने वो चीज देखी ही नहीं है तो फॉर द फर्स्ट टाइम मम्मी देखेंगे 70-80% लोग होंगे आज के टाइम में जिन्होंने मॉल नहीं देखा होगा सच में हाँ तो भाई है मम्मी मॉल वहाँ कौन मॉल दिखा है भाई गोबर पाथ लिया बड़का के चुतर दो दिए उड़े और ये काम उड़े और ये काम कर तो आज भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं खुश हो मम्मी अभी वो पता चलेगा मॉल में जाके कि भाई मम्मी हर को कैसा एक्सपीरियंस है जय उड़े जाती न्यू ना के दे छोरी चौदह फीत लिया है तमाम में हाँ तो भाई जाके पता चलेगा भाई सो हमने आरती दीदी को भी इनवाइट किया है तो उन्हें हम रिसीव करेंगे द्वारका से और हम जा रहे हैं सुभाष नगर मॉल पैसिफिक मॉल में तो जो जो वहाँ पे हम एक्सपीरियंस करेंगे हम नहीं हमारा तो क्या है बहुत सारी शॉपिंग करनी है हाँ शॉपिंग करनी है मम्मी अर्थ है खाना खाना बहुत एक्साइटेड है हमने तो फिर फोन एक ऊपर खाया कर बार क्यों मम्मी आज खाएंगे बाहर बैठ के जो आप बोलोगे वही खाएंगे और जो शॉपिंग बोलोगे वही करेंगे और एक स्पेशल चीज और है आप लोग को बताने के लिए वो हम बताएंगे आपको इसी ब्लॉग में बट बाय द डे एंड्स मतलब अभी 4 बज रहे हैं हम पहुंच जाएंगे 5 बजे नहीं 5 बजे तक पहुंच जाएंगे जल्दी 5 बजे तक पहले ही पहुंच जाएंगे इस मॉल मत लिए थे इसमें अच्छा मम्मी सोच रही है कि ये मॉल है मम्मी पहली बार यू देखा था बेटी हो रहा है मम्मी ने ये देखा था पहली बार ये मॉल बोला मम्मी या मॉल में छोटी सी दुकान ऐसी ऐसी दो चार दुकान पाऊंगी मॉल में और अब आज आप देखोगे बड़ा वाला आज मतलब ये नहीं मान लो मॉल के बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे यू ही देखा था जितने इतना बढ़िया लग गया न्यू आप तो देखा मैं और न्यू है उड़े घेर दिया और कोई चिड़ भी नहीं रहा होगा ना यहाँ पे मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वहाँ वाला तो और बड़ा होगा उसमें तो मम्मी मतलब अपने आप कोई दिखानिया ना होता अपने आप आओ देखो और भगा दूंगा भी लेकर ना आओ देख कर भगाया होंगे वाओ दीदी आप तो आज बड़े क्यूट लग रहे ओह माय गॉड दीदी नमस्ते आज का बहन जी एकदम प्लान बना दिया दीदी आप बहुत डिफरेंट लग रहे हो मैंने एक बार देखा मैंने कहा कोई छोटा मतलब यंग लड़की आती छोटी बोनी होगी बोनी निरकम हो गया मेरे दादा जी तेरी आज मेरा दादा जीव था ना तो मेरे दादा की आई थी 5'9" जब मेरे दादा एक्सपायर मरे ना मतलब एक्सपायर हुए तो जब मेरे दादा की हाइट रही थी 5'2" बताओ दीदी मम्मी और ने मॉल ही नहीं देखा था आज था ये बढ़िया प्रोग्राम बना दिया सही बना दिया ना दुकान ने मॉल के बहुत पानी आ रहा है मोमोज दीदी वो जो हमारे वाले मोमोज वो तो पीछे रह गए मोमोज वाले तो शिलोंग में कहीं भी दिल्ली वाले मोमोज नहीं मिले शिलोंग कैसा था वैसे बहुत बढ़िया था बड़ा मजा आया और ये हम पहुंच गए सुभाष नगर मॉल हाँ मम्मी मम्मी ने क्या देख के वो तो उतरी भी ना ये तो झूले से देख के ले आओ अंदर जाके देखना कैसा है देखिए
गाइज आप लोग देख ही सकते हो अभी उसे मम्मी के एक्सप्रेशन अंदर जाके और दिखाऊंगी। तो भीतर तो मेरा ना कैसे बताई सही सर आराम तो देख लेंगे मेरे घर दुकान में भीड़ होती तो मम्मी घबरा जाती ले मम्मी 100 रुपये कितने किले की पार्किंग होगी मम्मी है ये होगी 7-8 एकड़ में 7-8 किला देख बत्ती नहीं डरे तो नहीं आप सीढ़ी में मम्मी आप डरे थे और मेरी शर्मीली मम्मी नहीं बोलते हुए कुछ गाइस मम्मी को पसंद आ गई है चप्पल मम्मी अच्छी है ना मम्मी हाँ बहुत अच्छी लगी बेटी मम्मी ये बैठने का है इसमें बैठोगे आप बैठने का हाँ आराम से बैठना गिरना नहीं दीदी गई है ट्रायल के लिए और मम्मी अभी भी शॉपिंग कर रही है मम्मी कैसी लगी आपको पहली दुकान बहुत अच्छी लगी बेटी मैंने तो कहीं बढ़िया लगी मेरी तो देख देख के मम्मी ने कह दी इसते भाई आड़े लुगाई आड़े जूते तेरे को ना की तो वो शर्मा उसको पता ही नहीं चला ही मम्मी ने बोला क्या फिर मम्मी ने दोबारा बोला है कि भाई लुगाई आड़े जूते बता दे मम्मी को दिलाने हैं शूज और मम्मी ढूंढ रही है जिस शूज में फीता ना डालना पड़े वो वाले शूज मच गई किसकी दुकान है बीमा की दुकान मम्मी कह रही है पहले ये बता कि ये बोतल कितने की है अभी कंपेयर करती हूँ बाहर सस्ता है कि यहाँ सस्ता है ये मम्मी भाई फेवरेट जने आ गई अपनी कुर्ती आज देख रही है मम्मी और तान्या भी अभी पर ऐसे रहे तो दो ही शॉप में जा पाएंगे अभी और भी चलना एक में गुजरे बाहर ही निकले मजा आ रहा है मम्मी तीन फ्लोर है मम्मी और जब अभी हम घूम रहे थे ना वो तो बेसमेंट में घूम रहे थे मुंगली बेटा बुढ़ी लोग मम्मी कूल चला जाएगा मम्मी चलो लिफ्ट पे चलो मम्मी लोग इसमें नहीं चढ़ रहे डर रहे चलो ला मैं चढ़ाऊं चलो मेरे साथ चलो आओ आगे आगे चलो आगे चलो बस एक बस मजा आया कति गला का सुखता मॉल तो बत्ती आ गई मॉल पकड़ू जो मन तो उतर हां उतरो उतरो कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता रखो 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 बस देखो कितना सिंपल था मम्मी और मिस्टर निपुण डागर टी शर्ट की तरफ ना देखते हुए और कुछ नहीं लेते हुए कुछ नहीं लिया ले लिया आपने टी शर्ट कुछ नहीं लिया ले ली जूते तुझे ये बता दो इसने बोला है कि दिला दो ये जूते नहीं तो रिश्ता विश्ता करता मैं कितना प्राइस है इसका इसमें 8 नंबर आएगा वो तो आ नहीं रहा है मम्मी को ये पसंद नहीं आ रहा है लेने तो बता दे जो पसंद है उठा ले तो एक जोड़ी शूज आपको भी दिला दे ठीक है मम्मी अपने लिए बेली पसंद कर रही है एज मम्मी ने कहा था कि मैं वहाँ जाके बेली जरूर लूंगी 6000 की ले लो मम्मी आज मम्मी वही साइज का ही डिफरेंट है अलग अलग साइज आपको अलग अलग 39 कितना होता 40 39 जो हमने ली थी उसकी तो बिलिंग हम करा चुके हैं एक्सक्यूज मी खर्चा हो गया लिया तो आपने अपने लिए भी है ना मेरे लिए तो नहीं लिए ना शूज बोलने वाला था फोन करके कि बैग लेना है तो ले लो आप वो शूज लेने आपने बोला तो नहीं ना तो बोल रहा हूँ ना अभी ले लो अभी गए अब नहीं अब आपने बिलिंग करा दी नहीं अभी नहीं हुई फिर करा लूंगी ज्यादा वाले ही लूंगी
बाटा में क्यों आपको छोड़ दूँ बताओ। मम्मी हमने सूट ही सूट देखते हैं भाई हर दिन में जहाँ भी सूट। मम्मी सूट देख रहे थे फिर से। इतना एक्सप्लोर कर लिया ना मम्मी लोगों ने। मम्मी कह रही है बिलिंग यहीं पे क्यों करवा रहे हैं, हम लेके चले जाएं या तो पता भी ना लगे इतनी बड़ी जगह है। मैंने कहा मम्मी जैसी गेट से बाहर निकलोगे हल्ला हो जाएगा, निर्मला के पास है बिना बिल की चीजें। हाँ निर्मला, अरे निर्मला के लड़के नीपू के चूतड़ पीटो। मेरे मरवा की मम्मी है। मुझे तो इन्होंने शूज दिलाए नहीं मम्मी, देख लो मैं दिला रही हूँ दीदी। देखो मेरे को नहीं दिलाए, डबल ले लूँ मैं सारा के लूंगी। बढ़िया मेरे को अच्छे लग रहे हैं दिखने में, ले सकते हो आप। मम्मी कहीं भी रुक के कुछ भी बात करने लगती हैं। अब इन भैया से मम्मी ये भी पूछ सकती हैं, और बेटा तेरे कितने बच्चे हैं, बीवी कैसी है, शादी ना हुई तो ना शादी करवा दे, शादी करवा दूं तेरी। बड़ी मम्मी सुन भी नहीं रही। बड़ी मम्मी है ना, देख लो कह रही है ये बड़े बड़े सिस्टम कहाँ से लगाते हो तुम। गाइस देखो मम्मी दोनों वहीं रह गई है, उन्हीं से बात कर रही है। तो अगर मम्मी लोग पढ़ लेते ना तो प्रिंसिपल होती किसी स्कूल की। सच में प्रधानमंत्री बन सकती है, एक प्रधानमंत्री होती है, एक राष्ट्रपति होती है। सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। डेली बेबे 25,000 तनख्वाह, जरिमा का रेमन ने भी लगा दिया। तो उसकी तनख्वाह भी पूछ के आ गए। तू खड़ी खड़ी दुखी हो जाएगी, मगर बेटा 25 दोगे तो खड़ी के दुखी क्यों होगी, 25,000 ना दोगे तेरे को। अब हम फूड कोर्ट आ गए और बैठ के आराम से कुछ खाते है बिकॉज थोड़े पैर भी थक गए। देखो मम्मी खाने की जगह पे कितना भीड़ है। हाँ। नहीं मम्मी नहीं होता महंगा, आ जाओ। दीदी को तो हो रही है मोमोज खाने की क्रेविंग, तो वहाँ पर है वो मोमोज। आपने पहले वो मोमोज खाया है? वो मोमोज के बहुत टेस्टी है, इसके मजा आ जाएगा। ठीक है। और ये मम्मी बेटा व्हाइट व्हाइट पहने हुए आज। मम्मी आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हो व्हाइट व्हाइट, कितने अच्छे। छोले भटूरे क्या बात है मम्मी। गाइस मम्मी बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं। तो आज मम्मी ने डिमांड किया मैं छोले भटूरे खाऊंगी। क्या क्या लेने? पेरी पेरी फ्राइज खाते थे ना, पेरी पेरी मोमोज आ गए। पेरी पेरी मोमोज आ गए, पर दीदी को तो स्पाइसी तो पसंद नहीं है ना। केवेंटस का शेक खिलाते हैं मम्मी को, बहुत ही टेस्टी होता है क्योंकि वो कोक नहीं पीते, कुछ नहीं पीते, और देवर लव। तो चलो अब की बार ट्राई करते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। क्या हाल चाल है वीरे? एक है ना 20 रुपये का है ना शेक, दे दे बढ़िया वाला। बोलते हैं यहाँ पे नहीं मिलता है। क्या यहाँ नहीं मिलता है? क्या एक पापा के लिए भी ले जाएंगे केसर बादाम। केसर बादाम पैक करा के ले भाई, पापा के लिए कर दिया ये वाला केसर बादाम। क्या हाल है वीरे? ठीक है। एक छोले भटूरे और एक राज कचौरी। एक राज कचौरी, हाँ हाँ वही वही ले वीरे, पा दे। लूट लिया सारा इसमें, मैं 90,000 रुपये लेकर आया था, अरे इसमें कुछ नहीं बचा है, TTL हो गया, टोटल लॉस। ये भाई नहीं ऐसा भाई जो ये राज कचौरी बना रहा है ना, ये मिर्च डाल देगा बहुत सारी, तड़के चूतड़ जलेगी फिर मारे। मतलब है ना तान्या को लगता है। हम सुभाष नगर शादी से पहले बहुत ज्यादा आते थे हम यहाँ पर, सबसे ज्यादा हम यहीं आते थे। चले कार्ड दे दो, कार्ड गुम करोगे आप, पैसों का कार्ड नहीं देते। कुछ नहीं देते ये पकड़ने के लिए, सब कुछ खो देती हूँ। मम्मी ने बोला है कि मैं अब यहाँ आऊंगी जब सेल लगेगी तब आऊंगी, और ना हमें कुछ नहीं समझ आएगा, हम यहाँ यूँ भी घूमने आ जाएंगे। बस बस दोनों मम्मी ने कहा, दोनों मम्मी दिल दे एंजॉय। कैसा लगा उनको? मम्मी बताओ कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी बेटी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टेस्टी, मजा आ गया। अरे देख के तो मेरा इतना मन खुश हो रहा है, देख कितने आदमी इतने ऊपर जी। हाँ और मम्मी आप तो बाहर खाते नहीं, पर कैसा लग रहा है? बस ठीक ठीक है। ये बंची खा रही है अपनी किटकैट आइसक्रीम, केसर बादाम शेक, केवेंटस का गेरा। दीदी के लिए ओम। कैसे हो रहे हैं मोमोज? यम्मी है ना, एक बार आपको वहाँ के भी मोमो खिलाएंगे, पहाड़ी वाले बहुत टेस्टी हैं। हम खा रहे हैं सब्वे, क्योंकि निपुण नगर साहब को बहुत ज्यादा पसंद है। फेवरेट है। मम्मी को राज कचौरी अच्छी लगी तो एक राज कचौरी और ले आएंगे मम्मी। तो कैसा लगा मम्मी घूम के? बहुत अच्छा लगा बेटी,
अपनी मम्मी होगी बड़ी मम्मी ने मजा आ गया, छोटी इतनी परेशान होगी इससे मॉल में घूमने जा करता तू घूमने। और मम्मी आप कह रहे हो मजा नहीं आया, सबसे ज्यादा सामान और शॉपिंग आप ही कर रहे थे, आप ही देख रहे थे। मम्मी तो निकला ना थी लाइफ स्टाइल में था। हाँ। तो निकाल के लाए मम्मी ने सूट ना भी दिखे ना भाई। हाँ। सूट ना दिखे तेरी मम्मी, सूट वाला मोल खोलना पड़ेगा जिसमें सूट है। मेरी मम्मी ने कहा कि आनंद ये दुकान में मजा आवे। और एक चीज जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं बताऊंगी बाय द एंड ऑफ द मॉल, वो ये थी कि गाइस हमारा चैनल तो मोनेटाइज हो ही गया था और हमारी कल ही आई थी ना, कल हमारी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आई है। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट और इसलिए हमने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दे। आपको भी बता रही हूँ फर्स्ट पेमेंट। अच्छा उसी की पार्टी थी क्या? उसकी पार्टी थी कि कल आई थी पेमेंट तो उसकी पार्टी में चंडीगढ़ घूमने जाएंगे। अब हम चंडीगढ़ जाएंगे उसकी पार्टी में घूमने। वो ऑब्वियसली थी हमें शेयर करना चाहिए ना क्योंकि हम लोग सब शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, तो ये भी शेयर कर दिया क्योंकि बहुत खुशी की बात है। हम इतने गरीब थे थोड़े अमीर हो गए। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। मम्मी लोग को तो बहुत मजा आया, आई होप आप लोग को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। मम्मी का टेबल मम्मी ने बता दी भाई बहुत बढ़िया। मेरी मम्मी ने कह दी गधे की पुंजन है मम्मी ने ट्रेन लिया है तू अरे गोबर खवा लिया। मम्मी ने बता दी है भाई सारी बात ये। सो ये तो हमारा व्लॉग, तो मिलते हैं आपसे अपने दूसरे व्लॉग में। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बोलो मैं गाड़ी चला रहा हूँ भाई, उत्तम नगर का जाम तुमने भिरा है गाड़ी टू मच। मम्मी बोलो खूब सारा प्यार दे और लाइक करें, बहुत सारा प्यार दे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बोल मम्मी बोल दे लव यू ऑल बाय।